वालेकुम से सीटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर का पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के लिए एक और आसन इकदाम। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए सूबे भर में पुलिस वेलफेयर मरकज के क्याम का आगाज। आईजी पंजाब की हदायत पर पहला पुलिस वेलफेयर मरकज रावलपिंडी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फाल कर दिया गया। पुलिस वेलफेयर मराकज में मुलाजमीन की छुट्टी के हसूल, जीपी फंड, माली मुआवनत, सजा और जजात से मुतालिक केसेस तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। अपील, पे अलाउंस, रिटायरमेंट, पेंशन समेत एडमिन और वेलफेयर से मुतालिक मजमू तौर पर 60 मुख्तलिफ नौयत के केसेस बिला ताखीर हल हो जाएंगे। लाहौर मोहम्मद उमर शेख की लाहौर पुलिस को बारिश के दौरान शहरियों की फौरी मदद यकीनी बनाने की हदायत। किसी भी नागहानी सूरत में शहरियों की मदद के लिए फौरी रिस्पॉन्ड किया जाए। सीसीपीओ लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने हदायत जारी की के सीटीओ लाहौर मसरूफ और नशेबी शहराओं पर ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी तायुनात करे। ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान वासा इंतजामिया से राबते में रहे। बारिश के दौरान शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए ज्यादा मुस्तादी से फ्राई सर अंजाम दिए जाए। शहरी बारिश के दौरान बिजली के खंभों, लटकती तारों और दीगर इलेक्ट्रॉनिक तंसीबात को हाथ लगाने से गुरेज करें। पुलिस हमा वक्त शहरियों के तहफ्फुज़ और मदद के लिए तैयार है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से निकासी आपके हवाले से वासा को मदद फराहम की जा रही है। कैमरों की मदद से पानी खड़ा होने, खुले गटर और बंद नालों की निशानदही का सिलसिला जारी। सेफ सिटीज कैमरों के जरिए पानी की मौजूदगी की तस्वीर वासा को फराहम की जा रही हैं। वासा नुमाइंदगान भी सेफ सिटीज अथॉरिटी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी तमाम इदारों को हर मुमकिन तआवुन जारी रखे हुए हैं। सगी माँ बिस्मिल्लाह बीबी को कत्ल करके फरार होने वाली बेटी मुलजिमा फजर अपने आशना अजीम समेत गिरफ्तार। ये अमर काबिले जिक्र है कि मुलजिमा फजर और उसका आशना अजीम बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है। मुलजिमा फजर और उसका आशना अजीम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और शादी करना चाहते थे। वुकुए के रोज मुलजिमा फजर ने मोबाइल फोन व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके अपने आशना अजीम को घर बुलाया। मुलजिमा ने घर से भागते हुए मुजाहमत पर माँ बिस्मिल्लाह बीबी को छुरी और हथौड़े के वार करके कत्ल कर दिया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश। डीपीओ चिन्योट बिलाल जफर शेख ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीपीओ ऑफिस में डीएसपी साहिबान, एसएचओज और दफ्तरी अमले से तारुफी मीटिंग। डीपीओ चिन्योट बिलाल जफर शेख ने कहा कि अवाम की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अवाम की खिदमत करते हुए थानों में इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएंगे। मुकदमात की गैर जानबदार तफ्तीश को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ की तला गंग में तमाम मकातबे फिक्र के उलमा कराम के साथ मीटिंग। सुबह वजीर मादनियात एमपीए हाफिज अमार यासिर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल सत्तार एहसानी और असिस्टेंट कमिश्नर तला गंग हाफिज इमरान भी मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग का मकसद हालिया दिनों में मजहबी मुनाफरत के फैलाव की हौसला शिकनी है। इस मौके पर मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिकवाल ने कहा कि कोई भी शख्स जो कोई ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करेगा जिससे किसी की दिल आजारी या किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा बने, ये काबिले सजा है। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा और शुरका ने इंतजामिया के किरदार की भरपूर हमायत करते हुए इसे आहसन अल्फाज में सराहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ की हदायत पर इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ ब्रेकडाउन। इकदाम कत्ल के जुर्म में मुलविस मफरूर इश्तिहारी मोहम्मद इस्लाम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की तरफ से तमाम टीम को भरपूर शाबाश। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।